हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपने एग्जाम दिए हैं अभी तक, कोई भी एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा उस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग के जरूर देखने को मिले होंगे। ठीक है, अगर एग्जाम नहीं दिया है तो आगे आप देखेंगे, जो भी एग्जाम देंगे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। तो कुछ लड़कों के कमेंट आए थे कि सर बिलेट रिलेशन शुरू करना है। ठीक है, तो मैंने बिलेट रिलेशन शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप पिछले चैप्टर देखोगे तो मैंने क्या कराया था, सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन देख रहे होगे कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो हमने अभी करे थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने इसलिए ये चैप्टर शुरू किया है क्योंकि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आए और आपको ऐसा लगे कि अभी पिछला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाए कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, अगर मैं पहला बिलेट रिलेशन करा देता तो हो सकता था, अगर मैं बात कोई कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाता तो आपको कुछ दिक्कत आती थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वो दिक्कत अब नहीं आने की। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले। जब भी आपका एग्जाम होगा, दिसंबर में हो या नवंबर में हो, जब तक आपकी पूरी भी कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तुम बस मेरे साथ बने रहना, पूरी कोशिश करूंगा। रीजनिंग में कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ये हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, क्या वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, पजल हो, कोई भी चैप्टर हो, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं अपने, पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, मैंने इस टाइप का, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है सादृश्यता परीक्षण की, तो उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेंगे। ठीक है, सारी वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, फिर इस वीडियो को देखोगे सारा कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं बनने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले मैं ये देखता हूँ इसको क्या लिखा गया है। ठीक है, R O M E। ठीक है, इसको कितना लिखा जाता है? तो आप बोलोगे M O R E। ठीक है, तो मैंने नियम क्या बताया था, मैंने बताया था अगर पहले शब्द जो दिया होगा उसके सारे अक्षर दूसरे शब्द में मौजूद हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन होते ही नहीं है। ठीक है, अगर पहले के इसके देखोगे आप, रोम के सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसमें मौजूद हैं या नहीं, अगर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछा था डी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसका नियम ये होता है अगर इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं तो आपको पता होना चाहिए इन्हीं अक्षरों को आपस में उल्टा सीधा करके लिख देता है। ठीक है, आगे पीछे करके लिख देता है। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि आगे पीछे इसने किस तरीके से करें। ठीक है, बस आपको ये देखना है। तो आपने देखा जो लास्ट का अक्षर था वो तो इसने जहाँ था वहीं रहने दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ भी ये रूल फॉलो करूँगा, लास्ट का अक्षर जहाँ था वहीं रहने दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा जो यहाँ पर पहला अक्षर था उसे कहाँ ले गई, लास्ट से दूसरे अक्षर पर। ठीक है, जो पहला अक्षर था डी उसे कहाँ ले गए, यहाँ पे ले गए। कोई दिक्कत? आप यहाँ से भी आंसर बता सकते हो, जिसके लास्ट में डी ई है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हमें, जिसके लास्ट में डी ई है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, पर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम बचाना होता हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब आप कंप्यूटर पर क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन देखते लगाओगे, देखते ही पेन भी चलाओगे नहीं, पेन भी चलाना नहीं पड़ने का, ये तुम्हें समझाने के लिए चलाना पड़ रहा। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आप देखते लगाओगे और मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। तो आपने देखा M जो यहाँ पर वस्तु थी वो पहले स्थान पर आ गई, तो R यहाँ पर आ जाएगा पहले स्थान पर, और A जहाँ था वहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जहाँ था वहीं है, तो A भी जहाँ था वहीं है, तो R A D E हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी कोड में संडे को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको पता भी चला है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में, तो आपने देखा एस यू एन डी ए वाई। ठीक है, संडे को क्या लिखा जाता है, आपने देखा बाई ए बाई ए डी बाई ए डी एन यू
एच, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि सी आर ई ए टी आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपने देखा इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो नियम क्या लगना है, इन अक्षरों को आपस में विपरीत करके लिखा गया है या आपस में किसी तरीके से भी उल्टा करके लिखा गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन अक्षरों को ही आपस में उल्टा सीधा करके लिखा गया है। अब आपको देखना होता है ये अक्षर लिखे किस प्रकार गए हैं। तो आपने देखा संडे को इसने क्या करा, संडे को विपरीत कर दिया इसने, संडे के सारे अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए, ठीक है। संडे के सारे अक्षर जो थे वो विपरीत क्रम में लिख दिए, तो सबसे लास्ट में जो वस्तु थी सबसे पहले, ठीक है। इसने क्या करा, संडे को विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम मतलब होता है उल्टा क्रम। अब आपको बताता हूँ मैं, जैसे राम है, ठीक है, राम है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसे विपरीत क्रम में लिखना, तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे बाद वाला सबसे पहले, फिर उससे एम ए, फिर सबसे जो पहले था वो लास्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका विपरीत क्रम, हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना है, एन लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे बाद वाला सबसे पहले, फिर क्या लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, ठीक है, फिर ई लिखा जाएगा, फिर आर लिखा जाएगा और फिर सी लिखा जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एन ओ, एन ओ आई टी ए ई आर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद इन सेकेंड लगाओ इन क्वेश्चन को, विद इन सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, यदि इतने को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले के आई एन डी एल ई, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ई एल डी एन आई के, ठीक है। तो इसने पूछा था कि ई एक्स ओ टी आई सी, ठीक है। तो मैं आपको नया नियम बताता हूँ, इस वीडियो को देखकर ऐसा मत समझना दो तीन क्वेश्चन करके कि सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में अलग तरीका देखने को मिलेगा। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी ना, तो आप एग्जाम में यही कहोगे सर ये टाइप तो आपने कराया नहीं था, जो कि मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा इन वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको पता चल जाएगा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक लग जाता है, ठीक है। वो आपको देखना है किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगता है और कहाँ से लगता है, ठीक है। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, पहले रूल क्या कहता है कि इसके सारे अक्षर देख लो, इसमें तो मौजूद नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा एक सेकंड में, ठीक है। आपने देखा इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो इसने क्या करा, इसने क्या करा, इसको क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा या विपरीत कह सकते हैं, ठीक है। इसने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसका मतलब पीछे की तरफ से लिख दिया। पीछे की तरफ से मतलब पहले ई लिखा, फिर उसके बाद एल लिखा, फिर उसके बाद डी लिखा, फिर उसके बाद एन लिखा, फिर आई लिखा, फिर के लिखा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसे भी विपरीत करूँगा, इसे भी विपरीत क्रम में लिखूँगा, तो पहले सी लिखूँगा, फिर आई लिखूँगा, फिर क्या लिखूँगा, टी लिखूँगा, ठीक है। यहाँ तक ही आंसर मिल जाएगा, यहाँ तक ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप चाहते हो बिल्कुल शॉर्ट करना एकदम, तो यहाँ तक ही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और मैं आपको पूरा लिख के बताता हूँ, टी ओ एक्स ई, ठीक है, यही आएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, मैं तो बस तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। तुम शेयर नहीं करते कहीं भी तो मेरा भी मन नहीं करता, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता एक भी, ना लाइक आते ना व्यूज आते, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बावजूद मेहनत का फल तो मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर चार भी इसी तरीके से है। यहाँ पर देखेंगे इसको क्या लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है बी आर आई एन जे ए एल, ठीक है। तो इसको लिख क्या लिखा गया, एल ए जे एन आई आर बी, ठीक है। तो इसने पूछा था
एल ए डी वाई एफ आई एन जी ई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है इसमें क्या लॉजिक लगा है। पहला लॉजिक देखना है कि इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो आपने देखा हाँ सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है कि कहीं इसे उल्टा तो नहीं करा गया, ठीक है। इसके सारे अक्षरों को विपरीत क्रम में तो नहीं लिखा गया। आपने चेक करा एल ए जे एन आई आर बी, हाँ सर विपरीत क्रम में लिखा गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा तो इसके सारे अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखना होगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पीछे चले आर, आर के बाद फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा जी। तो आपने यहीं तक देख लेना किस ऑप्शन में है, आर ई जी किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सी में ही है आर ई जी और किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ज़्यादा लंबा करने अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर मुझे तो आपको समझाना है कि किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आयोग क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में, ठीक है। जिसने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रखा है उसको पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या बोला है कि यदि इतने को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो इतने को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया लॉजिक ढूंढना, बस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, क्वेश्चन में क्या तरीका लगा हुआ है। ओनली विद इन सेकेंड हमको क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, विद इन सेकेंड क्वेश्चन करना होता है। हम यहाँ पर देखेंगे सी ए आर पी ई टी, ठीक है। इसको क्या लिखा है इसने, टी सी ई ए पी आर, ठीक है। विद इन सेकेंड करोगे बस एक बार समझ लो, क्योंकि मैं पेन तो चला रहा हूँ, आपको तो पेन भी नहीं चलाना, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। इसने पूछा एन ए टी आई ओ एन ए एल, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा हुआ है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे लास्ट में जो अक्षर था वो सबसे शुरू में आ गया, ठीक है। तो ऐसे मुझे करना, सबसे लास्ट में जो अक्षर था एल उसे क्या लाना, सबसे शुरू में लाना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में लास्ट का अक्षर पहला आया है, ठीक है। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सी में भी शुरू में एल है, ऑप्शन नंबर बी में भी शुरू में एल है, ऑप्शन नंबर डी में भी शुरू में एल है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ए ऑप्शन तो हमारा गलत है, ए ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब हमें देखना है बी सी डी में से कौन सा होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या देखा, मैंने जो पहले नंबर पर सी था वो कहाँ पहुँच गया, दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। पहले नंबर पर सी जो था वो कहाँ गया, दूसरे नंबर पर। तो ये एन पहले नंबर पर जो था वो एन यहाँ आ जाएगा दूसरे नंबर पर, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने देखा एल एन किस ऑप्शन में शुरू में, तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में शुरू में एल एन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर जो है हमारा सी है या डी है, ठीक है, सी है या डी है। अब हम यहाँ से भी क्लियर कर लेंगे। हमने देखा दूसरे नंबर पर ए जो था, जो दूसरे नंबर पर ए था वो कहाँ पहुँच गया, वो चौथे नंबर पहुँच गया, ठीक है, कहाँ पहुँच गया, चौथे नंबर पहुँच गया। तो हम यहाँ पर करेंगे दूसरे नंबर पर ए जो था वो कहाँ पहुँचा देंगे, एक छोड़ेंगे चौथे नंबर पर यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है, ए आ गया। तो हम देखेंगे चौथे नंबर पर किस ऑप्शन में ए है, सी या डी में से हमें कन्फ्यूजन था। तो हमने देखा चौथे नंबर पर ए हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही है ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे चौथे नंबर पर ए है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन थे, ओनली लॉजिक ढूंढना होता है इन क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे भी देखेंगे क्या कर रखा है इसने। इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2013 में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसने एम ई ए टी को क्या लिखा है, टी ई ए एम, ठीक है। तो इसने पूछा है बी ए एल ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहली बात क्या चेक करनी है कोडिंग डिकोडिंग में,
कि पहला शब्द जो है उसके सारे अक्षर कहीं दूसरे शब्द में तो नहीं है। आपने देखा कि पहले शब्द के सारे अक्षर दूसरे शब्द में हैं, ठीक है, तो इससे आसान तो क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है, ठीक है, उससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होता। आपने क्या देखना है, जो सबसे लास्ट में था वो सबसे शुरू में आ गया, ठीक है, टी सबसे लास्ट में था तो उसे कहाँ लिख देना, सबसे शुरू में, और एम सबसे शुरू में था वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। आपको क्या करना है, जो शुरू की वस्तु थी उसे लास्ट में, और लास्ट की वस्तु जो शुरू में, ठीक है, जो लास्ट में अक्षर था उसे शुरू में, और जो शुरू में था वो लास्ट में, तो ये बी शुरू में था तो लास्ट में पहुंचेगा, ई लास्ट में था शुरू में पहुंचेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसके शुरू में ई हो और लास्ट में बी हो, जिसके शुरू में ई हो और लास्ट में बी हो, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हैं, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए या डी में से हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या डी में से हमारा आंसर है। आप बोलोगे सर ई जहाँ पर था वहीं पर रहा है, इसका मतलब ई और ए में कोई चेंज नहीं हुआ है, जहाँ पर थे बीच के अक्षर, बीच के अक्षर वहीं पर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ए और एल को यहीं पे लिख दूंगा क्योंकि बीच के अक्षर में कोई चेंज नहीं करना, तो ई ए एल बी किस ऑप्शन में, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, सी ए टी का संबंध ए टी सी से है, ठीक है, डी आर का संबंध इससे है, ई आर डी से, तो इसने बोला सिंह को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं, ठीक है, तो हमें रूल कौन सा फॉलो करना, इस वाले को रूल फॉलो करना होगा हमें, ठीक है, हम देखेंगे इसमें क्या रूल लगा है, डी ई ए आर, ठीक है, क्या रूल लगा है इसमें, हमने देखा इससे क्या लिखा गया था, ई ए आर डी, तो हमें बताना है एस आई एन जी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, ओनली समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, हमने क्या देखा जो सबसे शुरू का अक्षर था वो कहाँ पहुँच गया, सबसे लास्ट में पहुँच गया ना, सबसे शुरू का अक्षर कहाँ पहुँच गया, सबसे लास्ट में, तो सबसे शुरू का अक्षर कहाँ पहुँचाना है, सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या चेक करना था कि इसके सारे अक्षर, पहले शब्द के सारे अक्षर क्या दूसरे शब्द में हैं, आपने देखा हाँ, तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता, इन्हीं अक्षरों को आपस में पलट कर लिख देता है, ठीक है, आगे पीछे करके लिख देता है और कुछ नहीं करता, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो सबसे शुरू का अक्षर कहाँ पहुँचा था, सबसे लास्ट में, तो हमने एस कहाँ पहुँचा दिया, सबसे लास्ट में पहुँचा दिया। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करना था हमें, हमने देखना था ई जो था दूसरा अक्षर जो था पहले स्थान पर आ गया, ठीक है, जो दूसरा अक्षर ई था वो कहाँ गया, पहले स्थान पर, तो पहले दूसरा अक्षर आई जो है वो कहाँ जाएगा, पहले स्थान पर, ठीक है। अब मैं कहूँगा आपसे ऐसा ऑप्शन देखो जिसके शुरू में आई हो और लास्ट में एस हो, तो आप कहोगे सर एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूँगा यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, आज गारंटी देता हूँ विद इन सेकेंड क्वेश्चन करवाओगे एग्जाम में, ठीक है, विद इन सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा, विद इन सेकेंड क्वेश्चन करवाओगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर दे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, इसे भी आप देखते कर दोगे, एसएससी सीजीएल 2015 में आया क्वेश्चन है, आपको पता होगा सीजीएल काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है, ठीक है, उसके क्वेश्चन जब आप सोल्व कर जा रहे हो तो ये समझ लो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं आता, आपको लगता होगा हार्ड आता है, कुछ भी हार्ड नहीं आता, बस आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चन कितने सोल्व किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना है सी यू एस टी ओ एम, इसे क्या लिखा गया है, तो हम बोलोगे सर इसे लिखा गया UCUCTSMO, ठीक है, ये लिखा गया ना, तो आपसे पूछा है PAREENT को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो बहुत आसानी से समझेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखते ही पता चल गया इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है, देखते पता चल गया या नहीं ये बताओ, देखते पता चल गया या नहीं, अगर नहीं चला तो ये समझ लो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने, सारा टाइम खराब करा, अगर आपके समझ नहीं है अभी तो, ठीक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है
और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी सादृश्य परीक्षण की तो प्लीज उन्हें जाकर जरूर देख लो, ठीक है। जब ही आपका सारा कुछ क्लियर हो पाएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करकाओगे, तुम किसी भी एग्जाम में जाओगे तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन करकाओगे, ठीक है। जब मैं किताब पूरी कराऊंगा और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रीजनिंग सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखना है इसने क्या करा था, तो इसने करा पहले दो अक्षर आपस में चेंज करें, ठीक है, फिर दो अक्षर आपस में चेंज करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर ये लास्ट के दो अक्षर, ठीक है, आपस में इन्हें दोनों अक्षरों को चेंज कराया, ठीक है। तो इन दो अक्षरों को आपस में चेंज करना है, ए यहाँ आया और पी यहाँ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा, विद इन सेकेंड आंसर मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना विद इन सेकेंड। ए पी किसके शुरू में है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में, ये ए पी शुरू में, ठीक है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ही ए पी शुरू में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किसी में ए पी नहीं है ना शुरू में, और किसी में नहीं है, तो ये हमारे सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, पूरी हमें ज़रूरत नहीं, जब हमें आंसर शुरू मिल रहा है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पूरा कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, पर मैं तो आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे मैं यहीं पर बता देता हूँ डायरेक्ट ही, ठीक है, डायरेक्ट ही बता दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, देखो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, यह लिख दूँ यहीं पे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता जो मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ, चलो लिखने की कोशिश करता हूँ फिर भी। इसने लिखा बी आर, टाइम बहुत लग जाता है ना लिखने में, बी आर ई ए के डी ओ डब्लू एन, ठीक है, इसने लिखा है एन डब्लू ओ डी डी के, आपको यहाँ से दिख गया होगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना, ये इसके सारे अक्षर पहले आपने देखना है कि इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं, आपने देखा हाँ सारे अक्षर इसमें रिपीट करेंगे, ठीक है, तो मैं कहूँगा इसमें कौन सा नियम लगेगा, आप कहोगे सर इसके सारे अक्षर इसमें आगे पीछे करके लिखे गए हैं, ठीक है, तो इसमें ये नियम लग जाएगा कि सारे अक्षर जो है ना आगे पीछे करके लिखे गए हैं, ये हमें चेक करना होता है किस तरीके से आगे पीछे करके लिखे गए हैं, ठीक है, तो हमने देखना इसके सारे अक्षर क्या कर दिए, यहाँ पे जो करें सारे विपरीत कर दिए, ठीक है, विपरीत कर दिए मतलब पीछे की तरफ से लिख दिए इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे क्या करा जो बी शुरू में था वो लास्ट में पहुँचा दिया, ठीक है, इसे विपरीत कर दिया, इसे क्या कर दिया उल्टा कर दिया, ठीक है, जो ये था इसे क्या कर दिया उल्टा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ भी हम इसे ऐसे करेंगे, क्या कर देंगे इसे उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब जो सबसे शुरू में था वो लास्ट में पहुँच जाएगा, ठीक है, इस तरीके चलेंगे तो सबसे शुरू में क्या आएगा ऐसा आएगा, जब इसे उल्टा करेंगे उसके बाद ई आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद जी आएगा, तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा एस ई एल जी किस ऑप्शन में, तो अभी आपको नहीं मिले, दो ऑप्शन फंस जाओगे आप, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी में, तो आप यहाँ पे देखोगे फिर क्या आएगा एन आएगा, फिर क्या आएगा ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा, ठीक है, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप पूरा भी कर सकते हो पर मैं यहीं से बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरा भी कर सकते हो, पूरे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख सकते हो, ठीक है, पर यहीं से आपको अगर टाइम बचाना तो इतना भी कर सकते हो, आंसर करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आया, वो क्वेश्चन है यूपीपीएससी, ठीक है, प्री 2011 में आया वो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे एस एस बाई एस टी ई एम, ठीक है, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चन में, डायरेक्टली हो जाते हैं, बस समझाने के लिए तो आपको बताना पड़ रहा है एस एम ई टी, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, और इसने इसको इतना लिखा गया है और इसे इतना लिखा गया है, ठीक है, हम अगला अक्षर भी देख लेते हैं कभी उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, एन ई एन ई ए आर ई आर, ठीक है, एन ई ए आर ई आर, इसे कितना लिखा गया है ए ई एन आर ई आर, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, एक बात क्या क्लियर है, तो इसने पूछा है फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा, सबसे पहला नियम क्या कहता है कि सारे अक्षर इसके दूसरे इसमें देख लो मौजूद हैं या नहीं, ठीक है,
आपने बिल्कुल ऐसा ही किया, आपने क्या किया, बिल्कुल ऐसा ही किया। तो इसमें देखा पहले अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर में क्या करा इसने, शुरू के तीन तीन आपस में बांट दिए, ठीक है, शुरू के तीन आपस में बांट दिए, ठीक है, शुरू के 6 अक्षरों को तीन तीन में डिवाइड कर दिया। और फिर डिवाइड करने के बाद क्या करा इसने, इसे विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है, एस बाई एस लिख दिया इसे विपरीत क्रम में। आपको ऐसा लग रहा हो जैसे सेम लिखा गया है, पर सेम नहीं लिखा गया। जब हम यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा, इसलिए इसने दूसरा शब्द भी दिया था, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखोगे तो इसने क्या करा, इन्हें विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है, पहले ए फिर ई फिर एन, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही करा इसने, इसने बिल्कुल ऐसे ही करा है, इन्हें क्या करा विपरीत क्रम में लिखा गया है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, इसने क्या करा विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है। या कह सकते हो बीच का अक्षर, बीच का अक्षर जहाँ था वहीं रहा है, ठीक है, बीच का अक्षर जहाँ था वहीं रहा है, और ये आपस में चेंज करनी है, ठीक है, कह सकते हो ये आपस में चेंज करनी है। अब मैं आपको रूल बताता हूँ क्या लगा इसमें, ठीक है, आप समझ गए होगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एफ आर ए सी टी आई ओ एन, ठीक है, इसमें रूल क्या लगा था, ठीक है, पहले तो देख लेने कितने अक्षर ये हैं। आप तुमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कहूँगा इनके हाफ कर लो, हाफ मतलब आधे कर लो, ठीक है, आधे जब हम करोगे इनके तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 4 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, 4 4 में डिवाइड करने के बाद फिर क्या करना था, मैंने क्या बताया था, जो उसमें रूल लगा था, ये शुरू के ये अक्षर और ये अक्षर क्या लिख देने, विपरीत क्रम में लिख देने, ठीक है, पहले इन्हें विपरीत क्रम में लिखोगे तो सी लिखोगे, फिर ए लिखोगे, फिर आर लिखोगे, फिर एफ लिखोगे, ठीक है। तो यहीं से आप पर आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में भी सी ए आर एफ है और ऑप्शन नंबर बी में भी सी ए आर एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, इसको जब उल्टा करेंगे हम, इसको उल्टा करेंगे तो पहले एन आएगा, ठीक है, एन लिखते ही हमें आंसर दिख गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें तो एन है नहीं, यहाँ पे सी ए आर एफ के बाद एन नहीं है ना, ठीक है, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। आप पूरा भी कर सकते हो, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, ठीक है, तो सी ए आर एफ एन ओ आई टी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बस एक बार सीख लो, जितना शॉर्ट कर सकते हो आप फिर खुद ही आप शॉर्ट कर लोगे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन देखते हैं आप आंसर बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ओ आर जी ए एन आई एस एम, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, आर ओ ए जी आई एन एम एस, ठीक है, इसको ये लिखा गया। तो इसने पूछा था इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, सबसे पहला नियम, क्योंकि आज ये फर्स्ट टाइप है इसका कि जब भी कॉमन हो कोई भी अक्षर, किसी भी शब्द में जब कॉमन अक्षर हो तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसके सारे अक्षर पहले आपको चेक करने इसमें मौजूद हैं, आपने देखा हाँ सारे अक्षर सर इसके ही मौजूद हैं इसमें, ठीक है, तो आपने क्या देखना है, इसमें आपको पता चलना चाहिए इसमें रूल लगा होगा, यही अक्षर आपस में आगे पीछे करके लिखे गए। अब हमें चेक करना होता है किस तरीके से आगे पीछे करके लिखे गए, ठीक है, हमें देखते पता चल जाता है इस टाइप के क्वेश्चन का। हमने देखा ये दो अक्षर आपस में चेंज करें, फिर दो अक्षर आपस में चेंज करें, फिर दो अक्षर आपस में चेंज करें, ठीक है, फिर दो अक्षर आपस में चेंज करें, ठीक है, वो रूल लग रहा है आपको पता चल गया वो देखते ही। अब हमको क्या करना है, यही रूल इसमें फॉलो करना है, ठीक है, यही रूल हम क्या करेंगे इसमें फॉलो करेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ, रूल तो आप समझ गए होंगे। अब हमें लिखना था बी ओ ए आर डी आई एन जी, ठीक है, इसको क्या लिखना था हमें, ये दोनों आपस में चेंज करने थे, पहले ओ आएगा फिर बी आएगा, ठीक है, फिर ये दो आपस में चेंज करने थे, पहले आर आएगा फिर ए आएगा, ठीक है, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। देखो किस ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ओ बी आर ए किस ऑप्शन में है, ओ बी आर ए, ओ बी आर ए, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, आगे भी आप कर सकते हो, फिर आई आएगा फिर
डी आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा भी कर सकते हो, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। पर आपको एग्जाम में टाइम बचाना हो जाता है, अभी तो आप कर सकते हो, ठीक है, पर आपको प्रैक्टिस जो करनी है ना, आपकी टाइम देख कर आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे टाइम बचाना होता है कि क्वेश्चन हमें देखते पता लग जाता है कि यहाँ आंसर आ जाएगा, तो इसे टिक कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कैलेंडर सी ए एल ए एन डी ई आर, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है सी एल ए सी एल ए एन ए ई डी आर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जितने इजी आप समझ सकते हो ना, उससे सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आपको देखना है क्या रूल लगा इसमें, क्या रूल इसमें फॉलो हुआ है। तो आप देखोगे, आपको देखते ही पता चल रहा होगा, आप देखते ही आपको पता चला होगा कि सर जो पहले स्थान पर बस जो पहले स्थान पर अक्षर था और जो लास्ट स्थान पर अक्षर था वो तो आप उसमें चेंज नहीं करने, ठीक है। जो पहले स्थान पर अक्षर है और जो लास्ट स्थान पर अक्षर है वो आपस में चेंज नहीं करने। मैं कहूँगा ओके, ठीक है, ठीक है। फिर आप कहोगे सर जो अक्षर बचे उन्हें आपस में इस तरीके से चेंज करना है, उन्हें आपस में इस तरीके से चेंज करना है जो भी पिछले क्वेश्चन में करा था, 11वें क्वेश्चन में, ठीक है। आपस में इस तरीके से चेंज करना है, ठीक है, आपस में इस तरीके से चेंज करना है। रूल समझ गए होगे, रूल समझ गए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब आप आते हैं इसने पूछा था तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, इस कुछ करना भी नहीं था इसमें, तो एक सेकंड से भी कम समय लगना था, ठीक है, एक सेकंड से भी कम समय लगना था। क्या समय लगना था, आप बोलोगे सर जो शुरू में अक्षर था वो यहीं पे रहना है और जो लास्ट में अक्षर था वो यहीं लास्ट में रहना है। तो आपको देखना है किसके शुरू में सी है और किसके और लास्ट में आ रहे है। तो आपने देखा ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके शुरू में सी है और लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके शुरू में सी है और लास्ट में आ रहे है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी और ऑप्शन में ऐसा होता कि शुरू में सी होता और लास्ट में आर होता तो हम चेक करते, ठीक है, उस तरीके से जिस तरीके से उसमें क्वेश्चन में लॉजिक लगा था, ठीक है। पर आपको यहाँ से ही आंसर मिल गया तो टाइम खर्च करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। टाइम बचाने की कोशिश करना, जितना हो सके कोशिश करना टाइम बचाने की, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तेरह आया हुआ क्वेश्चन है SSC 10+2 2013 में। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है इसने, एन ई यू आर ओ टी आई सी, ठीक है। इसको लिखा है इसने टी टी आई सी आर ओ एन ई यू, ठीक है, इसने इसको ये लिखा है। अब हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि इसमें रूल क्या फॉलो किया है, ठीक है। हमें क्या देखना होता है, इसमें रूल क्या फॉलो किया है, और कुछ नहीं देखना होता, ठीक है। बस हमें देखना होता है रूल क्या लगा है इसमें, आपने क्या देखना है, ठीक है। इसमें आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक आ गए, सारे इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे पीछे यही क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला नियम देखने कि सारे अक्षर इसके इसमें मौजूद हैं। तो आपने बोला सर सारे अक्षर इसके ही मौजूद हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे ये नियम तो पहला क्लियर हो गया कि इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है, यही अक्षर आगे पीछे करके लिखे गए होंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम देखेंगे, हमने देखा शुरू के तीन अक्षर और लास्ट के तीन अक्षर, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 अक्षर थे, शुरू के तीन और लास्ट के तीन, ठीक है। हमने देखा बीच के दो जो थे आर ओ, ठीक है, बीच के दो जो थे आर ओ वो जहाँ पर थे वहीं पर रहे हैं, ठीक है, और शुरू के तीन जो थे वो लास्ट में पहुँच गए हैं, ठीक है। शुरू के तीन जो थे वो लास्ट में कर दिए और लास्ट के तीन जो थे वो शुरू में कर दिए, ठीक है। रूल समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया या नहीं ये बताओ, रूल समझ में आ गया, चलो नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। शुरू के तीन लास्ट में कर दिए, लास्ट में कर दिए, और लास्ट के तीन शुरू में कर दिए, ठीक है, और बीच के दो अक्षर जो थे वो जहाँ थे वहीं रहे, ठीक है। ये नियम इस फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ,
यहाँ पे देखेंगे पी एस वाई सी एच ओ टी आई सी, ठीक है, कितने, शुरू के तीन और लास्ट के तीन, ठीक है, शुरू के तीन और लास्ट के तीन लेने, ओनली शुरू के तीन और लास्ट के तीन लेने थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा हमने, टी आई सी पहला आएगा, टी आई सी, ठीक है, और बीच के क्या लिखने थे हमें, जैसे थे बीच के, बीच में जो अक्षर जैसे थे वैसे लिख देंगे, सी एच ओ, और लास्ट के तीन, शुरू के तीन लास्ट में लिखने थे, पी एस वाई। ये देखें किस ऑप्शन में है, ये देखें किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर ये तो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो टी सी टी आई सी सी एच ओ पी एस वाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौदह क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी दोस्तों चौदह क्वेश्चन मिस हो गया, ठीक है, जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो क्वेश्चन नंबर चौदह मिस हो गया था, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मिस हुआ पूरी एक्सरसाइज में से, चलो कोई नहीं, इतना हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं बना रहा था, फिर मैंने दोबारा सोचा कि अब क्या एक क्वेश्चन को, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप, बिल्कुल वही क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसे आप आराम से बना लेते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पंद्रह कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो इसने पूछा तो इतने को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टी ई ए सी एच आई एन जी, ठीक है, इसे क्या लिखा जाता है, सी एच ई ए टी आई एन जी, ठीक है, ये लिखा जाता है ना उसको, तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा, आपको देखते ही क्या पता चल रहा होगा, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन लगा जाओगे, इसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको क्या देखना है, जो लास्ट का अक्षर था, जो लास्ट का अक्षर था वो जहाँ था वहीं पर रहना है, ठीक है, लास्ट का अक्षर जहाँ था वहीं पर रहना है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है, जहाँ था लास्ट का अक्षर वहीं पर रहना है, तो हम इसमें भी यही नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, फिर क्या देखना है हमें, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखा हमने, ऑप्शन सी आंसर करा सकता था, ठीक है, मैं, पर मुझे तो समझाना पड़ता है पूरा, तो यहाँ पे देखा मैंने जो ई था, दूसरा अक्षर जो था वो कहाँ पहुँच गया, तीसरे स्थान पर पहुँच गया, ठीक है, यहीं से मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो दूसरा अक्षर था ई वो कहाँ पहुँच गया, तीसरे स्थान पर पहुँच गया, ठीक है। मैं इसमें यही नियम फॉलो करूँगा, ध्यान रखना क्या नियम लगाना है, लास्ट का अक्षर चेंज नहीं करना है, जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है, और ये जो है दूसरा अक्षर कहाँ पूछा देना है, तीसरे स्थान पूछा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ध्यान रखना आपको, फिर यहाँ देखेंगे जी आर ए डी आई ई एन टी, ठीक है, लास्ट का अक्षर जहाँ था वहीं रहेगा, वहीं पर है, ठीक है, तो आपने देखा किस ऑप्शन में लास्ट में टी है, तो आपने देखा सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, तो ये तो मेरा क्लियर हो गया कि आंसर जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से होगा, ठीक है, अगर तुक्का मारोगे तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में से मारोगे, ठीक है, पहली बात तो तुक्का मारना नहीं है, फिर भी 1% बताता हूँ। फिर आप बोलोगे सर जो दूसरे स्थान पर था, मान लो ये तीन इस तरीके से हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर जो दूसरे स्थान पर था वो तीसरे स्थान पर आ गया था, ठीक है, यहाँ पर आ गया था, ठीक है, यहाँ पर आ गया था, तो मैं बोलूँगा जिसके जिसका तीसरा अक्षर शुरू से तीसरा अक्षर आर है और लास्ट में टी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा सर ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके से हो रहा है, जो तीसरा अक्षर आर है और लास्ट में टी है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन होते हैं ना, इतनी सारी मैंने प्रैक्टिस करा दी आपको, 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप के, गारंटी देता हूँ इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस जो मैं ट्रिक लगा रहा हूँ ना, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ यहाँ पे टीचिंग की जगह और कुछ दे दे, पर नियम यही लगने वाला है, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आयो क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ 2011 में, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसने बोला सी एच ओ एल आई एन ई, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, इसने लिखा ओ सी आई एच एल ई एन, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसने पूछा था इसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस है तो एस यू आर जी ई ओ एन, ठीक है, इसे लिखना है मुझे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये नियम देखना पहले, इसमें क्या नियम लगा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, बस इतना आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन लगा दोगे, आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि लास्ट के दोनों अक्षर आपस में चेंज करेंगे, ठीक है। इतना तो दिखाई देगा, भगवान ने अच्छे दो आंखें दी हैं, इतना तो दिखाई दे जाएगा, ठीक है। लास्ट के दो अक्षर आपस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो लास्ट के दोनों अक्षर आपस में चेंज कर दिए एन ओ, ठीक है। आपने देखा सभी ऑप्शन में लास्ट में एन ओ है, ठीक है, तो यहाँ से तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने देखा पहला अक्षर जो था सी वो दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया, ठीक है, तो मैं एस क्या करूँगा, दूसरे स्थान पर पहुँचा दूंगा, ठीक है। ये पहला स्थान था, ये दूसरा स्थान, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ठीक है, इस तरीके से स्थान है। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर ये स्थान है, ठीक है, कभी इन्हें आई समझ लो। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने देखा दूसरे स्थान पर एस किस ऑप्शन में है, तो आपने ये ऑप्शन बिल्कुल काट देना है, दूसरे स्थान पर एस नहीं है इसमें, ठीक है, और जिसके एन ओ लास्ट में है, सभी के एन ओ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेक करा, जो दूसरा अक्षर एच था वो कहाँ पहुँच गया, चौथे स्थान पर पहुँच गया, ठीक है। जो दूसरा अक्षर एच था वो कहाँ पहुँच गया, चौथे स्थान पर पहुँच गया, तो मैंने एच यू कहाँ पहुँचा देना है, यू कहाँ पहुँचा देना है, तो आप बोलोगे यू चौथे स्थान पर यहाँ पहुँचा देना है, ठीक है। यू कहाँ पहुँचा देना है, यू यहाँ पहुँचा देना है। जब आपने यू यहाँ पहुँचाया तो आपको पता होना चाहिए चौथे स्थान पर यू आना चाहिए, किस ऑप्शन में, चौथे स्थान पर यू, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में ही है सर चौथे स्थान पर यू, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में चौथे स्थान पर यू नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो मेरा तरीका बताने का तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि स्टेप से मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सत्रह क्या कहता है, एस ओ सी आई ई टी वाई, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, सी ओ एस ई आई वाई टी, ठीक है। तो इसने पूछा था एम ए एन एच ओ एल ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कहेंगे इसे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बैंक, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ पीएनबी बैंक क्लर्क में, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, आप देखोगे खुद ही, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले देखना है इसके सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं, आपने कहा सर सारे अक्षर इसमें मौजूद है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इसमें नियम जो लगेगा वो ये लगेगा कि इसी के सारे अक्षर अगले शब्द में आगे पीछे करके लिखे गए हैं, ठीक है। तो आपने देखना है लास्ट के दोनों अक्षर क्या करेंगे, इस तरीके चेंज करेंगे, ठीक है, तो हम इस तरीके चेंज कर देंगे, पहले ई फिर लास्ट में एल, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन मिल सकता था हमें, क्या लास्ट में ई एल किसी के है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है, पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें लास्ट में ई एल नहीं है, ठीक है। तो अब आप किस ऑप्शन में फंस जाते हो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में आप फंस जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर आपने देखा ये दो अक्षर और आपस में चेंज करेंगे थे, ठीक है, तो आपने क्या करना, दो अक्षर और आपस में चेंज करना ओ एच, ठीक है। आपको देखना लास्ट में ओ एच ई एल किसकी है, ठीक है, ओ एच ई एल किसकी है, तो आपने देखा सर ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा है जिसके लास्ट में ओ एच ई एल है, ठीक है, ओ एच ई एल है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पी आर ओ डी आई जी ए एल, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, इसने बोला है इसे लिखा गया था डी ओ आर पी एल ए जी आई, ठीक है। तो हमें देखना है किस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है, किस तरीके से इसको लिखा गया है, क्योंकि इसने पूछा फिर इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, हम देखें इसमें क्या ट्रिक लगी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है,
आपको जो है ना, अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, अगर आपका बिल्कुल इस पर है एग्जाम पर, ठीक है, आप पढ़ रहे हो ठीक से, तो आप क्वेश्चन देखते लगा दोगे, मैं गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चन की, ठीक है। आपने ये करना, आपको पता चलना चाहिए सर ये जो थे लास्ट से एक अक्षर छोड़ा और जो ये दो बच्चे थे इन्हें आपस में चेंज कर दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर शुरू से एक अक्षर छोड़ा और इन्होंने ये इन आपस में चेंज कर दिया, ठीक है, शुरू से एक अक्षर छोड़ा और इन्हें आपस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहीं से मेरे रूल से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो आपको दिखाता हूँ, यहीं से आंसर मिलेगा, बी आर आई जी एच टी ई एन, ठीक है। आपने क्या बोला सर, इसे तो जहाँ है इसे तो बात को देखी जाएगी, इसका तो कुछ करना नहीं है, हमें जो होगा देख जाएगा, पर इन्हें हम चेंज करना आपस में, क्योंकि इसमें करा गया था, क्योंकि इसमें ये रूल लगा था, तो मैं कहूँगा ई यहाँ पर आ जाएगा और टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर पहला अक्षर का पता नहीं क्या करा है इसने, पी का डी पता नहीं किस प्रकार करा है, पर इससे अगला पता है कि इन्हें आपस में चेंज करें, ठीक है। तो मैं कहूँगा बी जहाँ पर है इसे जो करना है बात को देखा जाएगा, पर इन्हें आपस में चेंज करना है, ठीक है, आई आर, ठीक है। तो मैंने क्या देखना है, शुरू में एक अक्षर छोड़ के जिसके आई आर हो, और लास्ट से एक अक्षर छोड़ के जिसके ई टी हो, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। आपने क्या देखना है, शुरू का एक अक्षर छोड़ा आई आर है, ठीक है, और लास्ट का एक अक्षर छोड़ा ई टी है, और किसी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है तुम्हें, शुरू का एक अक्षर छोड़ा आई आर है और लास्ट से एक अक्षर छोड़ा ई टी है, और किसी ऑप्शन में ऐसा है? आप बोलोगे सर और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं पूरी डिटेल से बताऊं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं इस तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन आसानी से लगा दोगे, ठीक है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि सर और डिटेल से बताऊं, मैं सारा करके बताऊं ये कहां से आता है, क्योंकि इतना आप देखते हो मेरे पास इतना मोबाइल ही, आपको पता है छोटा सा फ़ोन है, ठीक है, आपको बता देता हूँ फ़ोन भी कौन सा, रेडमी 6 प्रो फ़ोन है, ठीक है, छोटा वाला 3/32 का फ़ोन है, इसलिए इस पर पूरी स्क्रीन पर आ नहीं पाता, क्वेश्चन समझा नहीं पाता, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ किस तरीके से मैं आपको आसान से आसान तरीका सोचता हूँ, किस तरीके से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आप खुद ही देख रहे हो कितना वो हो जाता है, एक बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, झमेला सा हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, फिर भी आप समझ रहे हो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसे क्या लिखा है, प्रिंसिपल को क्या लिखा जाता है, पहले देख लें किस प्रकार लिखा गया है, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, ठीक है, इसे क्या लिखा गया है, एल ए पी आई, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही पता चला होगा, ठीक है, क्या पता चला, देखते ही आपको पता चला सर इसके सारे अक्षरों को इसने विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है, इसके प्रिंसिपल के सारे अक्षर जो थे इसने क्या लिख दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ भी यही करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ भी यही करने वाला हूँ, इसके सारे अक्षरों क्या करूँगा, विपरीत क्रम में लिख दूंगा, विपरीत क्रम में लिखूंगा मतलब पीछे की तरफ से लिखना शुरू कर दूंगा, ई फिर क्या आएगा, सी फिर क्या आएगा, एन, ठीक है, ई सी एन फिर क्या आएगा, ई आएगा फिर क्या आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है, फिर सी आएगा ना, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा, यहीं से नहीं मिल रहा, ये दो ऑप्शन में ऐसा है, तो आप पूरों को लिख सकते हो, इन्हें सबको लिख सकते हो विपरीत क्रम में, ई सी एन ई सी एस ई एल ओ डी ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखेंगे हम किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2015 में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है। आपको यहाँ से क्या देखना है, इसने फैशन को क्या लिखा है, एफ ए एस एच आई ओ एन, ठीक है, इसने इसको क्या लिख दिया है, एन है ये एन, इसने इसको लिखा है एफ ओ आई एच एस ए एन, ठीक है, इसने इसे लिखा है, तो आपको ये रूल तो फॉलो हो गया, आपको क्या करना है, बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आपने क्या देखना है, पहला और लास्ट का तो जहाँ था वहीं पर अक्षर रहने हैं, ठीक है, पहले और लास्ट के अक्षर जहाँ थे वहीं पर रहने हैं,
तो मैं ये पहला रूल तो ये कहता है कि जिसके शुरू में पी और लास्ट में एम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा जिसके शुरू में पी और लास्ट में एम इसमें भी है, जिसके शुरू में पी और लास्ट में एम इसमें भी है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, आपको एक बात और देख लेनी है, ठीक है। एक बात और क्या देख लेनी है, जो दूसरा अक्षर था वो लास्ट से दूसरे अक्षर में पहुंच गया, ठीक है। जो दूसरा अक्षर था वो लास्ट से दूसरे अक्षर आ गया, ठीक है। तो मैं ये देखना है जो आर था वो लास्ट से दूसरा हो जाएगा, तो लास्ट से दूसरा आर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आर जो है लास्ट से दूसरा ये हैगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ठीक है।